और अब हम ओलंपिक मेडलिस्ट की बात कर रहे हैं। भारत को इस बार 6 ओलंपिक मेडल मिले। हम चाहते हैं ये 6 से 60 हो जाएं, 60 से और ज्यादा हो जाएं, लेकिन ये 6 हमारे लिए बेशकीमती हैं। गगन नारंग, निशानेबाज, ओलंपिक मेडलिस्ट, आज हमारे भारतीय छात्र संसद के मंच पर बहुत बहुत स्वागत और सम्मान भारतीय छात्र संसद के हमारे ये तमाम छात्र नेताओं की ओर से। मिलजुल कर अब काम करेंगे। अभय फिरोदिया जी, फोर्स मोटर्स के अध्यक्ष और तमाम हमारे विशिष्ट अतिथि आज गगन नारंग को सम्मानित करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। गगन नारंग के लिए हमारा निशाना, हमारी तालियां। स्वागत और सम्मान गगन नारंग जी का इस मंच से। गगन, आपको सुनने के लिए लोग बेताब हैं। आदरणीय अतिथिगण जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, मेरे सभी भाइयों और बहनों और मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आई फील ऑनर्ड टू बी अमंग्स द 6 इंडियंस हु डिड द कंट्री प्राउड। आई थिंक इट इज़ टाइम टू टेल द वर्ल्ड दैट इंडिया हैज़ अराइव्ड इन स्पोर्ट्स एंड 6 मेडल्स इज दैट believe that we've given to the country. I think our country is going through a lot in current times, and when we won those medals, and when we go out there and perform and win those medals and the country's flag goes up, I think it puts a smile on every Indian's face, whether it's a poor person or it's a rich individual. So I think sport is a great binding factor against all caste and creed, and I am proud and happy to be a part of this country and contribute towards the little smile on your faces that we brought by winning medals. यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राहुल कराट जी का और भारतीय छात्र संसद का कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और आप लोगों के सामने सम्मानित किया गया। आई थिंक अगर ये स्कूल जब मैं स्टूडेंट था होता तो मैं शायद आज पॉलिटिशियन भी बन सकता था। बट कहीं किसी और तरीके से मैंने देश का नाम रोशन किया, और मैं चाहता हूँ कि एक सीख आप ज़रूर हमारे हम खिलाड़ियों से लें, वो है परसिवियरेंस की, वो है संकल्प की, वो है आपका दृढ़ निश्चय जो आपको मोटिवेट करेगा हमेशा देश के लिए कुछ अच्छा करने का। मेरी लाइफ में और हर स्पोर्ट्समैन की लाइफ में कहीं उतार चढ़ाव आते हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं किसी अमीर ख़ानदान से नहीं था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरे डैड सर्विस करते थे, तो मैं किसी और की बंदूक से चलाता था और शूटिंग रेंज में बैठता था और जब उनकी शूटिंग ख़त्म हो जाती थी तो मुझे सिर्फ वो कहते थे कि आपको चलाना है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो मुझे 10 शॉट देते थे, मैं चला के 2 घंटे बैठ के उनको देख के घर वापस आ जाता था। तो ऐसी शुरुआत मैंने की, और जब मैंने अपने मॉम डैड को कहा कि मुझे अपनी एक गन लेके दो, तो 2-3 महीने बाद मुझे अपनी गन मुझे मिल गई जो कि जर्मन कंपनी थी, जिससे मेरा स्कोर और मेरी परफॉर्मेंस में उद्धार आ सकता था। तो 2 साल बाद ही मुझे पता चला कि किस परिश्रम और किस कठिनता से उन्होंने मुझे वो गन दी। उन्होंने अपना घर बेच दिया, जिस घर में हम लोगों को रहना था वो बेच के उन्होंने मुझे अपनी गन दिलवाई। और तो पहली कठिनाई ये थी, और रास्ते में कहीं कहीं और कठिनाइयाँ आती रहती हैं, पर बीजिंग में मेरा मेडल 1 पॉइंट से रह गया, तो फिर भी मैं निराशाजनक नहीं हुआ, मुझे बहुत अफसोस ज़रूर हुआ। पर जो मोटिवेशन है, जो देशवासियों का प्यार है, जो माँ बाप, जो दोस्तों ने सम्मान और जिस तरीके से सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपने अंदर मोटिवेशन और परसिवियरेंस होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सीख मैं आपको ज़रूर अपने से अपनी ओर से आपको देना चाहूँगा कि भी कभी हार मत मानना, क्योंकि जीत उसी की होती है जो कोशिश करता है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब लोग बहुत सहनशीलता से सुन रहे हैं हम सबको। तो आई होप ये तालियां नहीं मारी जा रही था कि मैं चला जाऊँ नीचे। बट जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि तकाजा है वक्त का कि तूफ़ान से लड़ना है, तकाजा है वक्त का कि तूफ़ान से लड़ना है, कब तक चलेंगे किनारे किनारे। तो इसी थॉट से मैं आपको छोड़ना चाहूँगा कि जब आगे लड़ना ही है और दृढ़ निश्चय और संकल्प से आगे बढ़ना ही है, तो कब तक चले हम किनारे किनारे। धन्यवाद, थैंक यू।